नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विमेंस कैरेबियन प्रीमियर लीग के दूसरे मुकाबले की। बारबाडोस ने ऑलरेडी ग्वेना अमेज़न वॉरियर विमेंस को हरा दिया है पहला मुकाबला। दूसरे मैच में बारबाडोस का सामना अब हो रहा है त्रिनबागो नाइट राइडर्स से त्रिनिदाद के ब्रेंड लारा स्टेडियम में। और इस मैच का समय रहने वाला है इंडियन टाइमिंग के अनुसार सुबह 4:30 बजे 23 अगस्त को। तो चलिए फटाफट से इस मैच से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां आपके साथ साझा कर देते हैं, जिससे आप और हम एक बेहतर प्रिडिक्शन की ओर बढ़ सकेंगे। जहां तक बात है पिच रिपोर्ट की, तो त्रिनिदाद के इस स्टेडियम में टोटल 4 मुकाबले हुए हैं और चारों ही मुकाबले सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम के नाम रहे हैं। बारबाडोस ने भी पहला मैच यहां पर सेकेंड बैटिंग करते हुए जीता है। एवरेज स्कोर 130 का नजर आता है। हाईएस्ट स्कोर वेस्ट इंडीज विमेंस ने बनाया है 155 रन और लोएस्ट स्कोर रहा है साउथ अफ्रीकन विमेंस का 101 रन। स्कोरिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो 3 बार स्कोर 150 के नीचे गया है और एक बार स्कोर 150 से 169 के बीच जा चुका है। अब यहां पर दोस्तों अगर हम बात करें हेड टू हेड कंपैरिजन की, तो त्रिनबागो नाइट राइडर्स और बारबाडोस रॉयल्स वुमेन्स के बीच टोटल 4 मुकाबले हुए। 3 मैचेस त्रिनबागो ने और एक मुकाबला बारबाडोस जीती है। अब यहां पर अभी तक के सफर में तो नाइट राइडर्स का अपर हैंड नजर आता है। चलिए हम नजर डाल लेते हैं इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट की प्रोबेबल प्लेइंग 11 और की प्लेयर्स पे। त्रिनबागो नाइट राइडर्स अपना पहला मुकाबला खेलेगी। अब यहां पर स्क्वाड में से अगर हम बेहतरीन 11 खिलाड़ी निकालें तो टीम कुछ ऐसी बनेगी: ग्लेनिंग, काइशोना नाइट, जमीमा रॉड्रिग्स, डियंड्रा डॉटिन, शिखा पांडे, जायदा जेम्स, केसिया नाइट, अनीसा मोहम्मद, जेस जॉनसन, जेनिलिया ग्लासगो और शमीलिया कॉनल। टीम की अगर टॉप ऑर्डर की बात करें तो उसकी कमान संभालती है मैग्लेनिंग। इन्होंने 132 मैचेस में 3405 रन बनाए हैं, 116 का स्ट्राइक रेट चल रहा है। साथ ही साथ जमीमा रॉड्रिग्स भी T20 फॉर्मेट में अच्छा एक्सपीरियंस रखती हैं, 100 मैचेस खेल चुकी हैं, 2074 रन बनाए हैं 114 के स्ट्राइक रेट से। डियंड्रा डॉटिन का ऑलराउंड प्रदर्शन हमें देखने को मिल सकता है। इन्होंने 127 मैचेस में 2697 रन बनाए हैं T20 इंटरनेशनल मैच में और साथ ही साथ 62 विकेट भी चटका चुकी हैं। रही बात मेन स्ट्रीम बॉलर्स की, तो टीम में जेस जॉनसन का साथ मिल सकता है। इनके स्टैट्स भी डिसेंट नजर आते हैं। 105 मैचेस में इन्होंने 96 विकेट चटकाए हैं 5.7 की इकोनॉमी से। तो ये है लेखा जोखा त्रिनबागो नाइट राइडर्स वुमेन्स का। अब अगर इनके ओपोनेंट्स की बात करी जाए तो बारबाडोस रॉयल्स की ओर से हेली मैथ्यूज टीम की कप्तान, जॉर्जिया रेडमेन, रशादा विलियम्स, अलाया एलेनी, लॉरा हैरिस, क्वेना जोसेफ, शनेल हेनरी, अमेंडा जेड विलिंगटन, एफी फ्लेचर, शबिका गजनबी और चेरी एन फ्रेजर खेलती नजर आ सकती हैं। उम्मीद यही रहेगी कि शायद टीम में कोई चेंज नजर ना आए। और यहीं पर अगर आप इनके की प्लेयर्स पे गौर करें तो टीम का बॉलिंग अटैक काफी सॉर्टेड है। अलाया एलेनी ने ग्वेना के खिलाफ 3 विकेट निकाले थे, 5.2 की इकोनॉमी रही थी। अमेंडा जेक विलिंगटन, क्वेना जोसेफ दोनों के हाथ 2-2 विकेट लगे थे। अमेंडा की इकोनॉमी रही थी 4.8, तो वहीं क्वेना जोसेफ का ऑलराउंड प्रदर्शन भी हमें देखने को मिला था। ग्वेना के खिलाफ इन्होंने 3.5 की इकोनॉमी से 2 विकेट तो निकाले ही, साथ ही साथ 24 रन का अहम योगदान भी दिया था, जिसके चलते बारबाडोस मैच जीतने में हो पाई थी सक्सेसफुल। हालांकि बल्लेबाजी में टीम पूरी तरीके से फ्लॉप रही है। टॉप ऑर्डर में सिर्फ हेली मैथ्यूज के बल्ले से रन निकले थे, इन्होंने 61 रन की पारी खेली थी। तो ये है पूरा लेखा जोखा बारबाडोस रॉयल्स का, जहां त्रिनबागो नाइट राइडर्स अगर विकेट चटकाने में हो पाती है सक्सेसफुल तो डेफिनेटली मुकाबला अपने नाम कर सकती है। और वेन्यू को मद्देनजर रखते हुए भी सेकेंड बैटिंग करते हुए टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। और इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो पर लगा देते हैं लगाम। जल्द हाजिर होंगे क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।